फेंक देना स्वीकार किया। लोकसभा चुनाव के लिए 19 मई को मतदान होना है, जिसके चलते पुलिस भी जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही एक मामला बड़वानी जिले के पार्टी में देखने को मिला, जहां चार पहिया वाहन में शराब की तस्करी करते दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पार्टी थाना प्रभारी SS सावले ने बताया कि हमें मुखबिर से सूचना मिली कि सफ़ेद रंग की चार पहिया वाहन रानीपुरा रोड से गुजर रहा है, जिसमें अवैध शराब है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गाड़ी को रोका और चेकिंग की तो उसमें 179 क्वार्टर शराब, जिसकी कीमत लगभग 13,820 रुपये को जब्त कर आरोपी दिलीप पिता रहंगिया राजीव पिता शंभू को गिरफ्तार कर लिया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। जी, एक संदिग्ध बोलेरो वाहन है जिसमें अवैध शराब होने की आशंका है जी, गांव में घूमते दिखाई दे रही है। सूचना पर ताबड़तोड़ थाने से बल को लेकर जैसे विजय प्रवीण को लेकर हम ग्राम बनाहौल पहुँचे और पंचायतों के सामने बुलेरो का घेराबंदी कर पकड़ा। बुलेरो में चेक करा तो अंग्रेजी बॉम्बे इसकी सफ़ेद एवं बियर की टोटल 47 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसके कब्जे से शराब जब्त की गई है वो राजू पांडे है जो वर्तमान में पार्टी रहता है जी जी। इसकी शराब की कीमत कितनी है सर? हाँ, ये टोटल शराब की लगभग कीमत है 13,000। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले